हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आपको भी पता है, जैसा कि पूरे देश में क्या पूरे विदेशों में भी कोरोना वायरस का कहर है। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि जितने भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ अपने घर में ही रहिए और अपने परिवार को भी घर में ही रहने के लिए बोलिए और स्टे सेफ और घर में ही रह के पढ़ाई करिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम फटाफट से देखिए, हेल्थ एजुकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, हर तरीके के एग्ज़ाम में आते हैं। स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बाकी की भी नॉर्मल जीके के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, ये बायोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम विटामिन्स के और बाकी हेल्थ एजुकेशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। 50 से ऊपर हम फटाफट से रैपिड फायर की तरह डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी का नाम क्या है? तो उसका नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, जो इसका केमिकल नेम है। और बाकी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए रेटिनॉल, आप सभी को पता होगा रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं। एक्टिव फॉर्म और ऑफ विटामिन B12 इज, तो विटामिन B12 के एक्टिव फॉर्म है आपकी कोबेलामाइन, ठीक है, जिसको मिथाइल कोबेलामाइन बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी 5th क्वेश्चन है, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज लास्ट लॉन्गर फॉर मोर देन 2 to 3 hours, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज रिकमेंडेड टू एथलीट्स? तो ये चाहिए अप टू 90 grams per hour, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है 1 gram कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरी होती है? 4 कैलोरी, ठीक है। तो इस चीज़ से इसको, नेक्स्ट, फॉर एवरी केजी ऑफ बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड एवरी आवर? तो एक घंटे में कितना चाहिए? तो ये चाहिए 1.334 कैलोरीज, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट फूड वैल्यू, मतलब ये जो चार ऑप्शन है, वाइट एग्स, ब्राउन एग्स, बोथ ए एंड डी, इनमें से क्या है? तो इसका डी ऑप्शन है, डक के एग्स में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है इन चारों में से ऑप्शन से, डक्स एग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डक्स एग। नेक्स्ट, फ्यूल यूज्ड बाय बॉडी वाइल डूइंग द एक्सरसाइज इज ग्रेट इंटेंसिटी इज, तो मॉडरेट मोर फैट देन कार्बोहाइड्रेट्स इज द राइट आंसर, ठीक है। वैसे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होने लगता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो आपका फैट भी बर्न होगा। नेक्स्ट, एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन बॉडी कॉजिस मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ठीक है। तो जब ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा बॉडी में तो किडनी का मेल फंक्शन हो जाएगा, मतलब कि अच्छे से काम नहीं करेगी। नेक्स्ट, फैटी एसिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, जिनको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, बॉडी में जो स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज कॉज्ड, तो डेफिशिएंसी क्या करती है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है, और जो सकारी भी होता है, सी की कमी से, बी की कमी से, बेरीबेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो ये चारों भी देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैव जेनेटिक ओरिएंटेशन, तो हीमोफीलिया, जिसमें हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों? ब्लड क्लॉट नहीं होता है इसमें, ब्लड जो है बहता रहता है, अगर एक बार कहीं कट लग गया तो ब्लड बहता रहता है, और ये जेनेटिकली मतलब फादर से बच्चे के ट्रांसफर होता है। टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर कितने? 13, ठीक है, टोटल नंबर 13 का आंसर 13 है। 14 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, विटामिन के इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो विटामिन के किस लिए इम्पोर्टेंट है? नॉर्मल कोलेजन ऑफ ब्लड, तो जैसे ब्लड हमारा जैसे बहता है जब चोट लग जाती है, तो उसमें फटाफट से जो देखिए धीरे धीरे जब मतलब ब्लड अगर कोलेजन नहीं होगा, मतलब ब्लड रुकेगा नहीं तो बहता ही जाएगा, तो इसीलिए नॉर्मल ब्लड क्लॉट होने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो रेशियो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ले लेते हैं, रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स इन द डाइट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन शुड बी, तो रेशियो कितना कितना होना चाहिए? 4, मतलब अगर थाली में है तो चौथा मतलब एक बड़ा हिस्सा मतलब होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का, फिर एक हिस्सा होना चाहिए प्रोटीन का और एक हिस्सा फैट का। तो फैट और प्रोटीन का बराबर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का
डबल से भी डबल होना चाहिए उनका, मतलब चार होना चाहिए उसका, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी। तो बॉडी ग्रोथ के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आपको पता है बी की सीरीज है, ठीक है, बी वन, जैसे आपका बी वन हो गया आपका थायमाइन, ठीक है, फिर आपका बी टू बी थ्री, ये सब। नेक्स्ट है मसल मास एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय, तो मसल मास और स्ट्रेंथ इंक्रीज किससे होते हैं, तो ये होते हैं आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, जितना आप देखिए जिम में, जो लोग जिम करते हैं उनको पता होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कीप्स ब्रेन नेल्स एंड हेयर हेल्दी, तो सल्फर, मेन सल्फर रहता है उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोटीन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ डाइट फॉर, प्रोटीन की किसके किसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा ज़रूरत होती है जो स्ट्रेंथ डोमिनेंस गेम होते हैं, जैसे आपके जूडो हो गया, रेसलिंग हो गया, और बाकी आपका वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, ठीक है, उनमें। एंड्योरेंस गेम में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन, तो इसका आंसर है इनसफिशियंट रफेज इन देयर डाइट। रफेज का मतलब होता है कि जो आपका फाइबर होता है, ठीक है, वो कम होता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपर मोस्ट विटामिन ए, मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन किस में रहता है, ठीक है, तो बीफ लीवर, इनमें से सबसे ज़्यादा आंसर है जो बीफ का लीवर रहेगा उसमें ज़्यादा विटामिन। नेक्स्ट, विच एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को पचाने में ट्रिप्सिन मदद करता है दोस्तों, ठीक है, ट्रिप्सिन याद रखना। नेक्स्ट, विच एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट फैट, लाइपेस, लाइपेस दोस्तों, लाइपेस हेल्प करता है विटामिन फैट को पचाने में। नेक्स्ट, हाउ मच कैलोरीज इक्वल अबाउट 1 pound ऑफ फैट, तो 3500 कैलोरी, आपको पता है फैट में एक ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है, 9 कैलोरीज, ठीक है। नेक्स्ट, विच एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स अभी देखिए अभी हमने पढ़ा था फैट का, अब हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा मदद करता है लाइपेस, एमाइलेस, ठीक है, एमाइलेस। नेक्स्ट इज, अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डू कम्युनिकेबल डिजीज नॉट स्प्रेड, तो मतलब कम्युनिकेबल डिजीज कौन किससे नहीं स्प्रेड होगी इनमें से, तो देखिए सेक्सुअल तो डायरेक्टली हो जाएगी, ओरल भी डायरेक्टली हो जाएगी, अगर फिजिकल रहेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगी, लेकिन सोशल इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फॉर एंड्योरेंस इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन, तो अभी मैंने बताया था एंड्योरेंस वाले स्पोर्ट्स को कौन सी ज़्यादा डाइट में कौन सी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक, क्योंकि उनको देर तक करती रहना है एक्टिविटी, इसलिए। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय एन मैन एडल्ट मैन मैंस वेट 220 pound इफ दे आर मॉडरेटली एक्टिव ईच डे, देन उसको चाहिए 3290 कैलोरीज। तो दोस्तों ऐसे कुछ अटपटे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको अटका देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फॉर्म्स बोन एंड टीथ, तो आपने सबको पता होगा कैल्शियम तो पता होगा, लेकिन कैल्शियम के साथ में फॉस्फोरस जब इसके साथ मदद करता है, तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस इज द राइट आंसर, फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ द फैट टेक्स प्लेस मेनली इन, तो फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए दोस्तों 90% खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, ठीक है, उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पचता है। 31 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सब्सटेंस आवर बॉडी इज नॉट कैपेबल टू स्टोर, तो देखिए फैट स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, मिनरल्स भी स्टोर हो जाते हैं, पानी से तो हमारी 75% बॉडी बनी हुई है, लेकिन विटामिन्स कभी स्टोर नहीं होते हैं, ओनली फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर होते हैं जो आपके KED है, वो भी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, इसलिए हमारे को विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डेली उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग मोस्टली हेल्प, कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग किस में हेल्प करेगा, तो देखिए स्प्रिंटर्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैराथन रनर्स जो कि 41 किलोमीटर्स की करीब दौड़ते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए मैं दोस्तों फटाफट से क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से,
क्योंकि बिना रुके फटाफट से आपके देखिए 33 क्वेश्चंस हो गए हैं ओनली 10 मिनट्स में। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, विच एक्टिविटी बर्न्स द मैक्सिमम कैलोरी। तो इन चार ऑप्शंस में से रनिंग स्पीड 10 माइल्स पर आवर ये सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगी, और बाकी के दो ऑप्शन ये रहे आपके स्विमिंग स्पीड, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, द मेजर रीजन ऑफ स्प्रेडिंग ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी के फैलने का मेजर रीजन क्या है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे क्या, कि देखिए अभी भी बताया कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको 1 मीटर का कम से कम डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो उसके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं वो 1 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं गिरते हैं 1 मीटर से, ठीक है। तो 1 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं गिरेंगे, तो मतलब 1 मीटर का कम से कम डिस्टेंस बना के रखेंगे, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसके अंदर आपका वायरस होता है, तो इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस भी किससे फैलता है, वायरस से, सॉरी इससे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन रिजल्ट इन, देखिए प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या होगा, आपका मारास्मस और क्वासियरकर बीमारी हो जाएगी। हाइपरटेंशन किससे होता है, आपका जो बीपी हाई होता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट, आपका एनीमिया क्या होता है, एनीमिया आपका होता है जो ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, या फिर हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द विटामिन विच इज़ वाटर सोल्यूबल। मैंने अभी आपको बताया था वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, बी और सी, और विटामिन ए और आपका के और डी और ई, ये आपके होते हैं फैट सोल्यूबल, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड डज नॉट ग्रांट्स, तो क्या ग्रांट्स फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशंस, ठीक है, स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, द डिजीज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस इज डिजीज ऑफ आई, तो आँख की होती है ये डिजीज, आपने सुना भी होगा। एक्यूमिलेशन बिल्डिंग अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल लीड्स टू फटीक। देखिए लैक्टिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, जैसे आप स्प्रिंट मार रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी आपने करी, फटाफट से एक्सरसाइज करी, तो आपकी मसल जो भर जाती है उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ताकि आप और प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ना कर पाए, उसके लिए आपके लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे कि आप उस स्पीड से उस काम को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, द कैटाबोलिज्म कॉन्स्टिट्यूट, तो कैटाबोलिज्म क्या होता है, सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ, देखिए हेप और हेपेटिक, जहाँ पे भी हेपेट आ गया वहाँ पे आपका लीवर आएगा, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन या फिर हेपेटाइटिस, ये लीवर में आएगा। और किडनी में क्या आता है, रेनल आता है दोस्तों, ठीक है, हमेशा याद रखना, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, ये किडनी में आता है। नेक्स्ट, क्रिएटिन फॉस्फेट डिलीवर एनर्जी, तो ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की मदद से क्रिएटिन आपकी एनर्जी बनाता है। नेक्स्ट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन बॉडी सेल्स, और देखिए दोस्तों और एक्सेस हो जाएगा तो एडिपोस टिश्यू में भी स्टोर होता है, ठीक है। रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस, अभी मैंने बताया था रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस एड्रेनालाइन, ठीक है, एड्रेनालाइन आपके किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शूज विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई हील डेवलप इन द इंडिविजुअल, तो ये क्या होगा, बायोमैकेनिकल डिविएशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज लॉकजो, तो लॉकजो टेटनस आपने बहुत फेमस डिजीज है, ये टेटनस को बोलते हैं लॉकजो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है कि द स्कूल हेल्थ सर्विस स्टार्टेड इन स्कूल इन, तो स्कूल हेल्थ सर्विस कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1909, मतलब 1909 में। नेक्स्ट है कि आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डर लगना, ये कौन सी बीमारी होती है, तो ये होती है रेबीज़ क्या होती है, कुत्ते के काटने से, देखिए और दोस्तों रेबीज़ फैल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड सीरियस अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले, मतलब किसको ज़्यादा खेलने की ज़रूरत है, तो सिंपल सा इसमें मतलब पता लग रहा था कि यंग चिल्ड्रन जो भी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा खेलने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, देखिए 50 तक हम पहुँच गए फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल डिसीज़ अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो CNS को हमारे को कौन सा इफेक्ट करता है, तो ये रेबीज करता है, जो अभी मैंने बताया था, जिससे कि कुत्ते के काटने से होता है और हाइड्रोफोबिया से इससे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका
द डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू नॉइस बेस्ड ऑन नॉइस इंटेंसिटी, मतलब कि वो नॉइस आपकी अगर मान लो कोई आवाज़ है वो आपकी हेल्थ को कब इफेक्ट करेगी, जब वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कितनी तेज वो आवाज़ है, अगर ज़्यादा तेज होगी तभी आपके डैमेज करेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो देखिए मिल्क में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, आपने सुना होगा, मीट में प्रोटीन होता है, एग तो बहुत अच्छा सोर्स है, नंबर वन सोर्स है एग, मीट और मिल्क, ठीक है। ऑयल में कोई प्रोटीन नहीं होता, ऑयल में आपके ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कि ओबेसिटी डज नॉट कॉज, तो आंसर इसका कैंसर है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, 15 मिनट हो गए हमें, और वीडियो को लाइक कर देना। देखिए फटाफट से मैंने 53 क्वेश्चन मतलब 50 से भी ऊपर क्वेश्चन करे बिना रुके इतनी स्पीड में मैंने बोल के बहुत, ठीक है। तो दोस्तों इसको लाइक कर देना और आपके एमपीएड में भी ये बहुत मदद करेगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए बता देना कमेंट करके। सी यू गाइस, और स्टे सेफ, स्टे एट होम, और बाहर मत आइए घरों से, सभी लोग घर में ही रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।